हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेतरहाट की पांच सबसे अच्छी जगह है, जो इंडियन स्टेट झारखंड के लथेया डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और इस जगह को क्वींस ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेतरहाट की पांच सबसे अच्छी जगह। तो शुरुआत करते हैं नंबर फाइव से। नंबर फाइव पर है कोयल व्यू पॉइंट। कोयल व्यू पॉइंट से आप एक बहुत ही खूबसूरत सनराइज देख सकते हैं और यहाँ से कोयल रिवर भी दिखती है। कोयल व्यू पॉइंट अपने सनराइज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आप यहाँ पर मॉर्निंग में जल्दी सनराइज के टाइम पर आएं, जिससे आपको यहाँ पर एक सुंदर सनराइज का व्यू देखने को मिलेगा। नंबर फोर पर है पाइन फॉरेस्ट। अगर आप नेतरहाट आएँ तो यहाँ के पाइन फॉरेस्ट में घूमना तो बिल्कुल ना भूलें। पाइन फॉरेस्ट को हिंदी में देवदार का जंगल कहते हैं। प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकर्स के लिए यह एक बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ पर आकर लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करते हैं। नंबर थ्री पर है मैग्नोलिया पॉइंट। मैग्नोलिया पॉइंट नेतरहाट के पठार से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। मैग्नोलिया पॉइंट अपने सनराइज और सनसेट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर सनसेट और सनराइज के टाइम पर बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर हर दिन सैकड़ों लोग घूमने आते हैं। नंबर टू पर है लोअर घांगरी वाटरफॉल। लोअर घांगरी वाटरफॉल के झरने 320 फीट की ऊंचाई से गिरते हैं, जिससे ये भारत का 33वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहलाता है। ये वाटरफॉल बहुत ही घने वन में स्थित है। लोअर घांगरी वाटरफॉल प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकर्स के लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। और अब नंबर वन पर है अपर घांगरी वाटरफॉल। अपर घांगरी वाटरफॉल नेतरहाट में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जगह है। अपर घांगरी वाटरफॉल नेतरहाट के पठार से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। ये झरना अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। नेतरहाट में सबसे ज़्यादा लोग इसे ही देखने आते हैं। आप लोग इन जगहों के अलावा नेतरहाट में घूमने के लिए नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल भी जा सकते हैं, जो स्कूल 1954 में बनाया गया था और इस स्कूल ने झारखंड और बिहार को बहुत सारे टॉपर्स भी दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।